ग्लव्स भी मुझे आज एक ही मिला हुआ है, पता नहीं मेरे पापा ने कहाँ पे रख दिया। उनको ना चीज़ें संभालने की बहुत ज़्यादा आदत है और ऐसे संभालते कि वो बरसों तक मिलती नहीं है। को तो कौन नहीं जानता, और इसके चक्कर में मेरे काम बढ़ जाते हैं हमेशा, फ्रीज हो जाती है पीछे। भाई यहाँ पर देखो कितना, अरे ये क्या है माधवचोद, बाइक होने का ये फायदा होता है कि टोल नहीं लगता हमें। भाई इतना प्यारा सीनरी, ओ हायाबुसा। भाई टाइम हो रहा है सुबह के 6 और 5 बजे तो मेरा भाई उठ के रेडी हो गया है और जा रहा है अभी हम लोग को पिक करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल रॉ मटेरियल। गाइज अभी मैं आया हूँ यश के यहाँ पे, हम लोग को पिक किया। आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे, आज संडे 27 है और अभी हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे, म्यांमार गेट पे ऐसा कुछ लोकेशन है। तो अभी आगे जाके हमें कौशिक भी मिलने वाला है, अभी यश है, हर्षल है और आगे जाके कौशिक भी मिलने वाला है और उसका एक फ्रेंड भी रहेगा। तो हम 3 बाइक्स लेके जा रहे हैं और सुबह से ना दिमाग इतना खराब हो रखा था, जो चीज़ें मिल रही थी ना राइड पे जाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। ग्लव्स भी मुझे आज एक ही मिला हुआ है, पता नहीं मेरे पापा ने कहाँ पे रख दिया। उनको ना चीज़ें संभालने की बहुत ज़्यादा आदत है और ऐसे संभालते कि वो बरसों तक मिलती नहीं है। फिर अभी मैं गया था अम्मू को लेने के लिए, सुबह 5 बजे उठ के रेडी हो गया था, मतलब छः बज गए थे निकलने को मुझे, क्योंकि कोई सामान ही नहीं मिल रहा था। तो 6 बजे निकला घर से, अम्मू को पिक करने के लिए गया, अम्मू को पिक करके लेके आ गए। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी 4:30 को उठ गई थी, इससे मुझे पता था कि 5 को निकलना था, मैं 4:30 को उठ गई। 6 को पहुंचना था जगह पे, तो इसलिए 5:30 बजे मैं अम्मू के यहाँ पे पहुंचने वाला था, लेकिन मुझे लेट हो गया सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते। बट ठीक है, जैसा भी जो भी है, घर से फाइनली निकल चुके हैं। मूड थोड़ा ख़राब हो गया था बट थोड़ा अभी चलेंगे राइड पे तो अच्छा हो जाएगा, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी यश और हर्षल आ रहे हैं, उनके लिए रुका हुआ हूँ, और एक एक्सपल्स है, एक ड्यूक 250 और मेरी R15, तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, वो लोग आएंगे अभी तो फटक से निकल जाएंगे सीधा मिड पॉइंट पे। हाँ थोड़ा हाथ गर्म है। वो लोग एक्चुअली गए अमू के लिए हेलमेट लाने के लिए, क्योंकि अमू के पास अभी हेलमेट नहीं है, तो वो लोग हेलमेट लेके आएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मिड पॉइंट पे और यहाँ पर सब राइडर्स वगैरह, ये रहा हमारा कौशिक और उसका एक फ्रेंड है और हर्षल 200V वाला और यश आज इसकी जनरेटर नहीं लेके आया, पिलियन बन के आया, मज़े लेगा मस्त पीछे बैठ के कम्फर्टली। और ये हमारी अम्मू मैडम, इसको तो कौन नहीं जानता, और इसके चक्कर में मेरे काम बढ़ जाते हैं हमेशा। मैंने इसको मेरा एक जिपर दे दिया, मतलब हुडी दे दिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। हाँ मुझे पता ठंड लगेगी इसलिए लेके आया मैं वो टी शर्ट लेके आई थी, उसको पहन के पतलू सा टी शर्ट, एक तो ठंड लग जाती है, ठंडे लग जाती है, फ्रीज हो जाती है पीछे। अभी हल्का हल्का उजाला भी हो गया है तो वेल एंड गुड, मतलब दिखेगा अच्छे से, रोड क्लियर रहेगा। और लास्ट राइड मुझे लग रही थी कि मॉर्निंग की विंटर लाइट लास्ट होने वाली है, बट ये वाली लास्ट होगी। और भाई थैंक यू सो मच, देखते हैं। अभी फिलहाल तो हमें चाय मिल गई है तो फटाफट चाय पीते हैं, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, मज़ा आएगा चाय पीने के लिए, सुबह का टाइम है, ठंड है, तो चलो पी के मिलता हूँ। तो भाई 7:10 है, हम लोग निकलने के लिए रेडी है, उजाला अच्छे से हो गया है। हमारे सामने एक राइडिंग ग्रुप है, मतलब साइकिलिंग ग्रुप है, बहुत सही यार, इतनी ठंड है और ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो लेट्स मूव, फ्यूल फ्यूल डालना है तो सबको यहाँ पे फ्यूल डलाना है, तो अभी आगे जो पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पे रुकेंगे फ्यूल डलाने के लिए। सो फाइनली वी आर रनिंग, चलो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ये भाई तो फुल राइडर बन के मस्त से उसने नीगड़ वगैरह लगा के आया हुआ है। भाई यहाँ पर देखो कितना, अरे ये क्या है माधवचोद, ये गांधारी ब्रिज है और यहाँ पे पूरा ना फॉग दिख रहा है साइड में, प्यारा लग रहा है। चलो फाइनली बट चाय वगैरह पी के निकल ही गए, अभी बस ये फ्यूल ब्रेक लेना है हमें और टॉप अप करा के निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास तो फ्यूल है नहीं, हर्षल के इसमें भी नहीं है, कौशिक के इसमें भी नहीं है, तो फ्यूल डला के फिर निकल जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं म्यांमार गेट, जो यहाँ से पड़ता है करीब करीब 95 किलोमीटर, और मेरी तो 20 किलोमीटर पहले से एक्स्ट्रा हो रखे, तो मेरे लिए तो ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर हो ही जाएंगे पूरे सिर्फ जाने के लिए, तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का राइड हो ही रहा है, 210 का है। बस अभी सेफली जाके सेफली आ जाए, गणपति बाप्पा मोरिया, लेट्स मूव। गाइस जैसे जैसे हम लोग सिटी से बाहर निकल रहे हैं ना, ठंड उतनी बढ़ते जा रही है, जितना जितना मतलब जंगल की तरफ पहुंच रहे हैं, जितना मतलब जंगल गांव की तरफ पहुंच रहे हैं, उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। अभी यहाँ पे ना ठंड लगने लग गई है बहुत, स्टार्टिंग में मतलब जब सिटी में थे तो हल्की हल्की लग रही थी तो अच्छा लग रहा था, अब ठंड ज़्यादा लग रही है। हाँ तो भाई पहुँच गए फ्यूल भराने के लिए, फटाफट फ्यूल डालते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। मेरा कार्ड निकालना, क्रेडिट कार्ड वॉलेट में होगा, देख मेरे। ठीक है गाइस, तो हमारा फ्यूल डाला के हो चुका है, तीनों भी निकल रहे हैं हम लोग, और तीनों भी हम लोग पिलियन के साथ हैं, टोटल 6 जन जा रहे हैं। तो बाइक थोड़ा कंट्रोल में चलाने वाले, ज़्यादा भगाएंगे नहीं, थोड़ा हाईवे वगैरह मिलेगा तो 90-100। और भाई एक्चुअली मैं ना हाथों को ठंड लग रही है भयंकर वाली, तो मैं ले रहा हूँ यश से उसका ग्लव्स, लेफ्ट वाला पकड़ना हूँ, क्योंकि ना यार मतलब सच्ची में ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना, हाथ मतलब मेरे
सुन पड़ रहे हैं, और बाइक पे कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैं ग्लव्स ले लिया हूँ यश से। क्या मैंने सुबह बहुत ढूंढने को ट्राई किया बट मिला नहीं, मैंने आपको बताया पापा मेरे। और अभी मुझे थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा क्योंकि ना मैंने पीछे का रियर फेंडर है वो निकाल के रखा हुआ है, तो अभी टायर गीले हो गए ना तो पूरा कीचड़ उड़ सकता है मेरे शॉकअप में, अगर मिट्टी गई तो पुचू पुचू करने लगेगा, इसलिए मुझे थोड़ा कंट्रोल में चलाना पड़ेगा फिलहाल। और लिटरली मेरा हाथ थोड़ा सा सुनसा पड़ गया था इसलिए मैंने ग्लव्स ले लिया यश से। अभी थोड़ा सन निकल जाएगा ना तो इतनी ठंड लगेगी नहीं। तो भाई सनराइज होने वाला है और बहुत प्यारा शेड्स लग रहा है, राइड में एक छोटा सा झील है पानी है तो पीछे से सनराइज हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस एक्चुअली ना ग्लव्स पहनने के बाद ये प्रॉब्लम होती है ना कि बटन फेल नहीं होते गोप्रो के, तो मैं जब भी बटन क्लिक करता हूँ ना समझता नहीं गोप्रो ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। बाकी यहाँ से देखो गाइस सनराइज हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है पेड़ों के पीछे से, कितना सही लग रहा है एकदम रेड रेड शेड से सन के। अभी रोड काफ़ी सही मिल रहे हैं, अभी तक तो गाइस हमने हाईवे टच नहीं करा है, हम लोग अभी सब रोड पर ही है, लेकिन एकदम सीधा सीधा रोड है और दूर दूर तक दिख रहा है रोड, बहुत प्यारा है। ऐसे रोड में ना बाइक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आती है और एकदम दूर दूर तक क्लियर दिख रहा है, फॉग वगैरह है नहीं उतना ज़्यादा, तो अच्छा भी लग रहा है राइड करने के लिए। आराम से हम लोग 60-80 मेंटेन कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्मॉल रोड्स तो गाइस हम लोग रोज ही कैप्चर करते हैं, आज थोड़ा हाईवे ज़्यादा कैप्चर करेंगे। तो भाई हम लोग हाईवे पर निकल चुके हैं और सामने देखो सनराइज अभी क्लियर दिख रहा है, क्योंकि तभी राइट साइड में था ना तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, बट अभी एकदम अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। बाइक होने का ये फायदा होता है कि टोल नहीं लगता हमें, और यहाँ पे यश हमारा सनराइज कैप्चर करते हुए। अभी थोड़ी देर में ठंडा लगना बंद हो जाएगा हम गाइस, कल रात को हम लोग पहुँचे थे 9 बजे घर पे, तो वीडियो एडिट करते करते मुझे लेट हो गया, तो 11 बजे कल का वीडियो डाला है मैंने, और कल रात को 11 बजे एक वीडियो एडिट कम्प्लीट हुआ था और सेकेंड वीडियो भी मैंने फटाक से एडिट करने के लिए लिया जो आज जाने वाला है, तो वो एडिट करते करते मुझे 1 बज गए थे और एक्सपोर्ट होते होते 1:30 बज गए, अपलोड होते होते 2 बज गए, तो 2 बजे मैं सोया था कल, 2 बजे सो के 5 बजे उठ गया था मैं, तो इसी के चक्कर में ना मेरी नींद उतनी अच्छे से अभी पूरी हुई नहीं है, और चाय पीने के बाद थोड़ा बेटर लग रहा है, पर वही नींद तो ज़रूरी होती है। मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली है गाइस, बट ये जो सीन देखने मिल रहा है ना बहुत प्यारा लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है वर्थ हो गया। गाइस अल्दो हमें निकलने के लिए थोड़ा लेट हो गया, बट कोई हमें पनिश थोड़ी करने वाला लेट हो गया है, तो क्योंकि अपनी राइड है अपने आराम से निकलना है, रोड बहुत प्यारा है, तो अभी इस राइड के मज़े लेते पूरी तरह से। भाई मतलब इतने टाइम के बाद मैं ऐसे लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, राइड्स तो मैं करा हूँ पर इतनी लॉन्ग राइड नहीं करा हूँ, ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जाके आना, तो काफ़ी अच्छी खासी राइड हो रही है, मज़ा आएगा अभी बहुत। अभी ठंड कम हो गई है ना तो फॉग उतना ज़्यादा नहीं है, फॉग है पर कहना हल्का हल्का है, सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो आग लगाई हुई है, मन कर रहा है जाके बॉनफायर सीखूं। भाई इतना प्यारा सीनरी, ओ हयाबुसा, भाई इतना प्यारा सीन, इतना अच्छा हाईवे, और यहाँ पर राइड करने का जो मज़ा है ना भाई नेक्स्ट लेवल का है, और सामने देखो लेजेंड जा रहा है हयाबुसा, एकदम बल्कि दिखती है, जो सुकून मिलता है ना इसे राइड करने के लिए नेक्स्ट लेवल का है। अभी मस्त से राइड को एंजॉय करते हैं। हाँ भाई मज़ा आ गया, पूरी नींद उड़ गई, मज़ा आ गया लिटरली, वसूल हो गई राइड तो, इतना प्यारा रोड है ना, मज़ा आ गया। अभी तो बहुत राइड बाकी है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ मैं तो पूरा फील ले रहा हूँ, मतलब ये जो सुकून है ना यार नेक्स्ट लेवल का है, मज़ा आता है बहुत राइड करने के लिए।